भयंकर बाढ़ आई थी और जल जमाव होने से नाले कुड़ाही नहीं होने से जो स्थिति थी एनआर की पटना में, आप सब लोग उसके भुक्त भोगी हैं और उसके जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और एक पदाधिकारी जो सरकार का नाक का बाल है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो एक उप मुख्यमंत्री भी खड़ा होकर बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं आप पैंट पहन कर भागने वाला उप मुख्यमंत्री जी, आप बोल रहे हैं आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो हाफ पैंट पहन कर आप भागे थे राजेंद्र नगर से, सरकार आपकी है हाफ पैंट पहनिए चाहे कैसे हो आप भागिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनंद किशोर जैसे लोगों को बचाने में सरकार क्यों अपना समय दे रही है। आनंद किशोर एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके कारण पटना में जलमग्न हुआ है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोषी अगर कोई है उसका नाम है आनंद किशोर। अच्छा, कोरोना वायरस के लिए कितना सतर्क है आप? देखिए हर लोग अपने अपने में सतर्क है लेकिन सरकार को भी सचेत होने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार का यह काम है, हमारा विपक्ष का भी काम है, तो जो हमारा काम है वो मैं कर रहा हूँ लेकिन सरकार को भी इस पर पूरा फोकस देना चाहिए और लोगों को जागरूकता पैदा करना।